हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल सुराइज। आपका स्वागत है एक नए व्लॉग में। सो गाइस, जैसा आपने टाइटल और थंबनेल देख लिया होगा, सो गाइस आज हम लोग जाने वाले हैं न्यू बाइक या स्कूटी आप बोलो उसकी तलाश में, उसकी खोज में, उसकी रिसर्च में। और आज ही हो सके तो बुकिंग भी हो जाएगा, तो और कुछ दिन बाद डिलीवरी भी हो जाएगा। सो गाइस, ये बाइक मैं नहीं ले रहा हूँ, मैं पहले क्लियर कर लूँ। ये बाइक ले रहा है, नजर आ रहा है आशीष। हाँ गाइस, ये बाइक ले रहा है आशीष। तो आशीष ले बाइक देखना है या स्कूटी देखना है, हम लोग तो बहुत सारा कन्फ्यूजन है, कौन सा लेना है क्या नहीं लेना है। तो वो भी आपको आगे ब्लॉग में पता चल जाएगा कि हम लोग टॉन्टॉन से शोरूम जाने वाले हैं और टॉन्टॉन से बाइक देखने वाले हैं या टॉन्टॉन से स्कूटी देखने वाले हैं। और गाइस, आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिक भी देखने वाले हैं, पेट्रोल भी देखने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो ब्लॉग तो लास्ट तक देखो और अपना डिसीजन प्लीज़ मुझे लास्ट में बताना कि मुझे कौन सा लेना चाहिए कमेंट बॉक्स में। जिसका डिसीजन अच्छा होगा उससे हम लोग ले लेंगे। तो चलो चलो फ्रेंड्स, बिना लेट किए चलते हैं। मैं रेडी वेडी हो चुका हूँ, तो ये रहा आउटफिट, तो चलो चलते हैं। और आज गाइस हम लोग जाने वाले हैं एक मूवी, तू झूठी मैं मटार। देते यार, मैं बहुत दिन से प्लान कर रहा हूँ कि जब जाऊँगा अब जाऊँगा, बट टाइम ही नहीं मिल पा रहा कुछ रीज़न से कारण से, तो इसलिए आज वो मूवी भी जाने वाले। तो ब्लॉग तो लास्ट तक देखना। तो चलो चलते हैं नाइट पैंथर से। ये रहा नाइट पैंथर का चाबी, तो चलो मिलते हैं अब आपको बाइक पे। सो फ्रेंड्स, फाइनली निकल चुके हैं। ये रहा नाइट पैंथर और ये रहा ऑफिस पीछे। तो गाइस, सबसे पहले भी हम लोग जाने वाले यामा के शोरूम, उसके बाद बताएंगे आपको प्लॉट में। देखते रहो हम लोग कहाँ कहाँ जाने वाले हैं, आज बहुत ज़्यादा जाने वाले हैं, इसलिए प्लॉट तो लास्ट तक देखो। तो चलो चलते हैं आप। ये सारे मॉडल है, दो मॉडल है, वो एक अभी एक साठ है, ये एक चौसठ है, ये टाटा मॉडल है और ये अच्छा टाटा फाइव लिखा है। सो गाइस, यहाँ पे तो कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव था ही नहीं, मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं है। कस्टमर स्कूटी लेने आया, 2,08,60,000 की स्कूटी है, बट कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। तो चलो अब यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं ड्रेस, एनी ड्रेसेस, ओला। हाँ गाइस, हम लोग जाने वाले ओला इलेक्ट्रिक। तो यहाँ पे उसका एक्सपीरियंस सेंटर खुला है, दो दिन पहले ही खुला है, तो चलो वहाँ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग तो मिल रहे हैं यहाँ पे यामा का शोरूम और यहाँ पे बजाज का शोरूम, दोनों शोरूम साथ ही में आप देख सकते हो, एक ही फ्रेम में दोनों शोरूम है। तो हम लोग तो दोनों शोरूम ऐसे भी जाना था, तो चलो हम लोग अपना काम आसान हो गया। तो चलो चलते हैं, पहले चलते हैं बजाज में, पहले बजाज में चलते हैं, पहले बजाज में, उसके बाद यामा में। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग लेने वाले NS125 का टेस्ट ड्राइव, तो देखते हैं कैसा चलाने में फील। रेट यार काफ़ी बढ़ चुका है, और जो मैंने बाइक दिखलाया था ना N160 जो मैंने डिलीवरी दिया, तो उसका नया कलर आया, आप ये देख सकते हो ब्लू में। तो चलो टेस्ट ड्राइव लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसा होता है। तो हम लोग टेस्ट ड्राइव लेने वाले हैं NS125 का। इससे पहले अभी आशीष ने सुना है, उसे तो बहुत अच्छा लगा। अब मैं चलाता हूँ, देखता हूँ कैसा लगता है पीछे पीछे पापा और। चलो गाइस, मैंने अभी NS125 का टेस्ट ड्राइव लिया, गजब ही पावर था उस बाइक में। मतलब 125 सीसी की मतलब बेस्ट सेगमेंट बाइक आप उसको बोल सकते हो, मतलब बहुत तगड़ा पावर। चलिए अभी एक बाइक दिखला है, ये भैया का बाइक आप देख सकते हो, सिंड्रेला, बहुत प्यारा रैप करवाया है भैया, लिटरली आपका। फ्रेंड्स, हम लोग ने बजाज से देख लिया NS125 टेस्ट ड्राइव ले लिया, अमाउंट भी पता चल रहा है, इधर अमाउंट कुछ बड़ा है। तो अब हम लोग जा रहे हैं यामा यहाँ पे। तो चलो यामा में हम लोग तो बाइक नहीं देते हैं, यामा में हम लोग तो स्कूटी देते हैं। गाइस, अभी हम लोग कन्फ्यूज हैं, लिटरली बता रहा हूँ, बाइक और स्कूटी में दोनों में कन्फ्यूज है कि बाइक लेना है स्कूटी लेना है, इसलिए दोनों में कंफ्यूज है। तो अभी बाइक यहाँ पे दो स्कूटी देखना है, एक मॉन्स्टर और एक एरोस, है ना? एरोस 155। तो चलो चलते हैं। ये 2250 सीसी का एफजेड है। सवाल हो तो इसलिए जो आदमी इसके लिए लेता है स्कूटी, क्या प्राइस एक बार फिर से बता दीजिएगा? 1,75,000 ऑन रोड आ जाएगा। 115 का इंजन है ब्रो।
आ चुके हैं अपने तीसरे शोरूम पे और आप लोग तो थोड़ा सा नज़र आ जाएगा। सो गाइस हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं ओला का, आप देख सकते हो मेरे पीछे ओला का वो एक्सपीरियंस सेंटर है, तो यहाँ चलते हैं क्योंकि इसको मन है ओला इलेक्ट्रिक लेने का। तो मुझे तो ऐसे इलेक्ट्रिक गाड़ी पर भरोसा नहीं है, बट इसको मन है कि भैया चलो एक बार ओला भी देख लेते हैं, तो चलो देखने में क्या जाता है, तो ओला भी देख लेते हैं और सब एक ही। तो ये रहा ओला का इलेक्ट्रिक स्कूटर S1 और ये रहा आशीष, अब ये आशीष टेस्ट राइड लेगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी टेस्ट राइड ले चुका हूँ, तो आप देख सकते हो। और ये यहाँ पे दो स्कूटी लगा हुआ है और ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन, अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, मात्र दो दिन पहले ओपनिंग हुआ था कि यहाँ पे अभी काम चल ही रहा है। शोरूम अभी पूरा अच्छे से ओपन हो चुका है, बस अभी काम चल रहा है। तो पीछे मात्र दो स्कूटी यहाँ पर है, वो रहा आशीष, वहाँ पे जा रहा है टेस्ट राइड लेने। तो चलो चलते हैं। Until I broke the rules, my life destroyed. My life destroyed. Until I walk awake, scream my mind, I shout the कुछ भी बोलो, बट ओला S1 जो देखने में यार क्या प्यारा लगता है, क्या सस्ती लगता है, इसका तो कोई जवाब नहीं है यार। देखने में क्या स्टाइलिश और क्या प्रीमियम फील आता है ओला इलेक्ट्रिक, तो देखते मज़ा आ जाता है, मतलब लगता है कि हाँ भाई कोई चीज़ है, मतलब इस गाड़ी तो देखते मज़ा आ जाता है। और खास कर तो जो ये वाला स्क्रीन है यार, लैपटॉप का स्क्रीन लगता है, इतना बड़ा स्क्रीन दे दिया, सारा कुछ है इसमें, चाबी तो लगता नहीं है। और इसमें म्यूजिक सिस्टम भी आ चुका है, ये रहा म्यूजिक सिस्टम, तो बहुत प्यारा है। और अभी आने ही वाला आशीष, मैं बोल रहा था कि आज के ब्लॉग में आप लोग तो पता चल जाएगा कि हम लोग कौन सा बाइक या कौन सा स्कूटी का डिलीवरी लेने वाले हैं। और गाइस आप लोग से रिक्वेस्ट करें कि आप लोग कमेंट में बताना कि हम लोग तो कौन सा बाइक या कौन सा स्कूटी लेना चाहिए जो 1.5 लाख के अंदर हो, 1,50,000 के अंदर। सो गाइस हमारा बजट 1.5 लाख के अंदर का है, 1.5 लाख तक है, क्योंकि हम लोग तो ओला S1 भी 1.5 लाख में आ जाता है, तो इसलिए हम लोग ने 1,50,000 का अपना टारगेट रखा है। उस बजट में कौन सा बेस्ट बाइक है, कौन सा बेस्ट स्कूटी है, प्लीज कमेंट बता रहा यार, हमारा बहुत हेल्प हो जाएगा। सभी गया आशीष टेस्ट राइड लेने, टेस्ट राइड लेके आएगा, उसके बाद हम लोग तो 2-4 शोरूम और जाना है और आज के ब्लॉग में हम लोग फाइनल कर देंगे कि हम लोग तो लेना कौन सा, इसलिए ब्लॉग तो लास्ट तक देखना। गाइस ब्लॉग अच्छा लगे प्लीज लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबा देना ऐसे ही अमेजिंग ब्लॉग के लिए। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा नॉइज हो रहा है क्योंकि मैं पूरे रोड पे ब्लॉग कर रहा हूँ, तो चलो आने देते हैं, उसके बाद बताते हैं क्या फाइनल होता है। इसका रेंज कितना है, कितना है, फुल चार्ज इको मोड पे 171 सिंगल राइडिंग, और चार्ज कितने में, फुल चार्ज कितने आवर में होगा, 6 घंटा 30 मिनट 6 घंटा 6.5 घंटा। बैटरी पैक ये तीन चीज़ S1 Pro में बढ़ जाता है, बैटरी पैक मतलब इसमें 4 किलोवाट आता है, उसमें 3 किलोवाट है, थोड़ा सा बैटरी बैकअप तुम्हारा बढ़ जाएगा, रेंज बढ़ जाएगा। बैटरी स्टेटस देखिए, सही है। 5 मिनट्स लेटर पहुंच चुके आज के अपने चौथे शोरूम पे जो है TVS, जो आपको नज़र आ ही रहा होगा। सो हम लोग पहुँचे TVS और यहाँ पे हम लोग तो देखते हैं Ntorq TVS 725 cc Ntorq, तो चलो चलते हैं। 1,18,000 मतलब इतना अंतर है सर जी, ये न्यूली लॉन्च हुआ है क्या? हाँ। टेस्ट राइड दिलवा दीजिए इसका, ST का क्या सर? टेस्ट राइड वाली गाड़ी नहीं है अभी, डेमो गाड़ी। सब हम लोग आ चुके हैं हीरो के शोरूम, आ गाइस ये हीरो का शोरूम है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि अंदर शोरूम है, अंदर काम चल रहा है, अंदर डिलीवरी भी मिलता है, तो चलो चलते हैं। है हीरो का सोमो जोमो जूम जूम ना हीरो का जूम हीरो का जूम है, तो अभी हम लोग इसको टेस्ट राइड लेने वाले हैं और इसके बाद स्ट्रीम का भी टेस्ट राइड होगा, तो चलो चलो। अब हम लोग शायद अपने लास्ट शोरूम पे पहुंच चुके हैं और देख करो हम लोग कहाँ हैं, तो गाइस जहाँ से हम लोग ने लिया था अपना नाइट पैंथर का डिलीवरी कैपिटल सुजुकी, तो फाइनली पहुंच चुके हैं कैपिटल सुजुकी, यहाँ पे हम लोग तो देखना है बर्जमैन, तो यहाँ पे बर्जमैन देखना, तो चलो ये लास्ट है, उसके बाद चलेंगे मूवी का टिकट कटवाना दिए थे। देखो यार नया मॉडल आ चुका है विथ ब्लूटूथ, जो मेरा बाइक है नाइट पैंथर का नया, इसमें ब्लूटूथ भी अब आ चुका है और इसमें एक ये कलर आया ब्लैक एंड ग्रीन नियॉन कलर है, तो बहुत मस्त लग रहा है यार, मतलब ये मार्च ही में लॉन्च हुआ है, तो इसलिए तो आप देख सकते हो।
अभी आशीष लेगा बर्डमैन का टेस्ट राइड, तो चलो चलते हैं और बताते हैं कैसा लगता है चलाने में। बर्डमैन एक नंबर, मतलब जबरदस्त। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, उसका पावर भी अलग है, एक्सेंशियल भी उसका। Very long time later. फ्रेंड्स मत पूछो, हमारा हुलिया देखता है वो लदी जा रहा है। अभी आशीष गाड़ी चला रहा है, लिटरली हालत ख़राब हो चुका है। अभी बज रहे हैं 5 और मेरा 6 बजे से सो भी है, तो अभी ठहर जाएंगे, फ्रेशअप होगी, मुंह हाथ धोएंगे और इस हुलिया तो थोड़ा ठीक करेंगे, उसके बाद जाएंगे मूवी के लिए। तो चलो चलते हैं। फाइनली हम लोग पहुँच चुके थे रिजेंट सिनेमा और ये फाइनली मुझे टिकट मिल चुका है, मात्र 2 मिनट बचा मूवी स्टार्ट होने में, तो चलो चलते। हमेशा साथ ही रहे।